दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, उनका बेहद हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ये बोलूंगा कि गाइस जो मेरे पुराने चीते हैं, जो ऑलरेडी वीडियोस देख चुके हैं काफी सारे प्रिंस रोड मैप, तो प्लीज मत देखिएगा ये, और स्पेशली फॉर द ओल्ड सब्सक्राइबर्स प्लीज मत देखिएगा जिनको पता है सब कुछ। ये वीडियो स्ट्रिक्टली उन्हीं के लिए है जो लोग जो एक्चुअली कॉलेज में हैं और स्कूल डेज में थिंकिंग दे आर थिंकिंग कि हाँ यार मुझे यूपीसी प्रिपरेशन करनी है, एटलीस्ट मुझे भी अपना को प्रूफ करना, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ करना, पैशंस को प्रूफ करना, अपनी डिग्निटी को प्रूफ करना है, तो उनके लिए ठीक ठाक रहेगी। अदरवाइज जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं जिनको पता है, ट्राई टू स्किप दिस वीडियो, ट्राई टू दिस, मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूंगा। तो खैर गाइस लास्ट ये अच्छी सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर मेन पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलेंगे इसे थ्रू कि आप एक लॉन्ग टाइम के थ्रू आप क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं मेरे अपने हिसाब से। बिकॉज पार्ट टू में इसलिए कर पाया बिकॉज काफ़ी सारी अदर नहीं करता इसको ब्रेकअप, तो काफ़ी लंबी वीडियो जाती है, तो सॉरी गाइज, तो कहीं ना कहीं फिर क्वालिटी हैम्पर होती है, जिस वजह से यस मैं पार्ट थर्ड के तब भी जाऊँगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट रोड मैप मैं आपको मेंस का स्पेशली एक अलग वीडियो से मैं आपको दे सकूं। तो गाइज ओवरऑल अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर देखा, तो हमने ये देखा था कि भाई इन लास्ट वीडियो वी डिड जस्ट इनफ ज्ञानबाजी कि हमने ये देखा कि वर्टेज यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, कौन सी स्टेजेस हैं, समथिंग लाइक दैट। जस्ट इससे वहाँ पे जैसे एक मेरा मैसेज देने की मैंने जो वीडियो बनाई थी एक्चुअली एक मैसेज देने के लिए बनाई थी, दैट्स ऑल, और कोई मेरा कोई मोटिव नहीं था उस वीडियो में। हम इस वीडियो के अंदर भी देखेंगे हाउ टू किक स्टार्ट फॉर द आईएएस एंड बुक लिस्ट प्लस लिटिल बिट स्ट्रेटजी, जो भी थोड़ी बहुत अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल के हिसाब से एक मॉडल टाइम टेबल बता दूंगा कि आप इसके थ्रू इससे करें, ताकि मैं आपको बताऊंगा साइड टू साइड। ये भी बताऊंगा कि द हिंदू कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए, इवन दैट जो बंदे द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस कब पढ़ना चाहिए, फिर जो हिंदी माध्यम के लोग हैं जो दैनिक जागरण कब पढ़े हैं, जनसत्ता कब पढ़े, तो इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जो कंट्रोवर्सीज हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल मैं आपको दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, बट यस थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं हो सकता है आधा घंटा लगे मुझे अपलोड करने में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइज इनफ टाइम है आपके पास ऑलरेडी, मीन्स इफ यू आर इन ग्रेजुएशन और इन स्कूल, सो आपके पास लेट्स सपोज हम मान के चलते हैं आपके पास 2 साल है इनफ, और आपका बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है ये आपको प्रिपरेशन करने का कि एक अटेम्प्ट में आप किस तरह से आप कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर, जैसे एक नॉर्मल अप्रोच जो एक हरा जो एक मॉडल जो एक मोस्टली एस्पिरेंट्स जो करते हैं उन्हीं अप्रोचेस को, कि जो एस्पिरेंट जो 95% एस्पिरेंट यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जिसमें उसी के ऊपर भी बात करूंगा। एक ये शशि ठाकुर 23.wordpress.com है, ये भी हेल्पिंग हैंड बंदा है हमारी तरह, और ये भी द हिंदू एवरीडे न्यूज़पेपर इसको अपलोड करता है, काफ़ी सारी बुक्स मिलेंगी। अभी कमेंट चेक कर रहा था, बोला सर ये लिंक वर्क नहीं कर रहा है। एक्चुअली टू बी फ्रैंक कभी कभी हो सकता है सर्वर डाउन है, तो जिस वजह से इसका शायद लिंक काम ना करे हैवी ट्रैफिक की वजह से, बिकॉज क्योंकि हब वर्डप्रेस पे है ये, फ्री वेबसाइट पे है ये, तो आप थोड़ा साइड टू साइड अगर चेक करेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें काम करेंगी, बिकॉज कि काफ़ी बंदे से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस वेबसाइट के थ्रू मुझे देखने को मिल रहा है। गाइज ओवरऑल जस्ट यहाँ पे ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं अभी कुछ भी, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द सिलेबस। आपको सबसे पहले मैं आपको लिंक दे रहा हूँ सिलेबस के अंदर, डाउनलोड द सिलेबस फर्स्ट, अच्छे से एनालाइज करो और डाउनलोड द प्रीवियस पेपर एज वेल एज। अगर प्रीवियस पेपर नहीं मिल रहा है तो मैं तो बोलूँगा जस्ट ट्राई टू बाय फॉर द प्रिम्स, फॉर दिशा पब्लिकेशन की बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट है, आप अमेजोन स्नैपडील फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं 150 या फिर सतीश पब्लिकेशन की, फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं, मुझे ठीक ठाक लगी है ये 150 रुपये के अंदर हो जाएगी। मेरा काम यहाँ पे है कि जितना सस्ते सस्ता हो सके उतना मैं आप लोगों को जुगाड़बाजी बता सकूँ, दैट्स ऑल। इसमें से आप देख लेंगे अपना ऑनलाइन, आप देख सकते हैं अमेजोन से, आप जैसे आपको अच्छा लग रहा है वहाँ से कर लीजिएगा, या फिर अगर जिसको पता चल रहा है समझ नहीं आ रहा है कि अमेजोन से लूँ, स्नैपडील से लूँ, एक फ्लिपकार्ट से लूँ, जिसमें आपको ये बोलूँगा comparaja.com पे जाइएगा, एक्चुअली ये हर चीज़ को कंपेयर करके रखता है, तो आप वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने में सस्ती है, कहाँ पे कौन सी चीज़ सस्ती है। comparaja.com ये एक अच्छी साइट मुझे ठीक ठाक लगी विदाउट कम एड्स के थ्रू। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये होगा कि एनालाइज द प्रीम सिलेबस, जो भी आपको करना है प्रीम सिलेबस को एनालाइज करना है। स्लॉट्स जो होंगे डिफरेंट्स में होंगे, मीन्स प्रीम सिलेबस को एक तरफ रखो, 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता दो, सोचो कि मेरे वीक पॉइंट कौन से, अपने वीक पॉइंट्स को लिखो, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लिखो, मेरी हिस्ट्री वीक है, मेरी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, मेरा इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है, मेरा ज्योग्राफी वीक है, कुछ इस तरह से अपने चीजें लिखो, बिकॉज आपको वीक पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो हो जाता है बॉस, बट वीक पॉइंट्स हमेशा हम उसको निगलेक्ट करते हैं, अछूतों वाला व्यवहार उसके साथ करते हैं, तो प्लीज इस समय आपको वीक पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। इसी तरह एनालिसिस मेन सिलेबस, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एसे कंपलसरी पेपर, ऑप्शनल पेपर अगर आपको बोल रहे हैं, तो इसमें आपको देखना होगा साइड टू साइड अपने हिसाब से स्ट्रेटजी। मेंस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सीरीज के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, अभी यहाँ पे जब बात हो रही है प्रिम्स, इसी तरह ऑप्शन की भी साइड टू साइड बना के रखें कि आपको ऑप्शन कैसे चूज करना, किस में इंटरेस्ट है। जो बंदे बीटेक या फिर डॉक्टरी करके बैठे हुए हैं बोल रहे हैं नहीं हमें तो हिस्ट्री लेनी है, तो यस
यू कैन टेक इट, अगर आपके इंटरेस्ट है तो आप लीजिए। इसके लिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक्स लूँ, क्या प्रोसेस लूँ, तो उसको ऑलरेडी मैं 13 जो मेजर सब्जेक्ट्स जो यूपीएससी में जो बंदे लेते हैं ज़्यादातर, मैंने उसकी लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट में जाके ऑप्शनल में जाके चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ से सब कुछ सारी चीज़ें जो है कहूँ जो सारी चीज़ें जो हैं आपकी काउंटर आपको समझ आ जाएगा गाइज। इसी तरह मैं बोलूँगा अब जो है सेक्शंस को ब्रेकअप करना स्टार्ट करो, लाइक आपने प्रीम सिलेबस समझा, फिर आपने एक एक अब एक एक सेक्शन को उठाओ, पॉलिटी है तो पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है उसकी लिस्ट बनाओ, इनफ टाइम है, लिस्ट बनाओ या पीपीटी बनाओ जो भी है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक। अब ये देखिए क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं, आपने जब दिशा पब्लिकेशन लोगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना नहीं है एनसीईआरटी, सबसे पहले आप उसके 10 साल के पेपर देखो और ना अच्छे से एनालाइज करो, एटलीस्ट मैं कहता हूं 7 to 15 days दो, कोई नहीं स्टार्टिंग का टाइम है लगेगा सॉरी गाइस, बट उसके बाद आपकी जो तैयारी होगी वो दमदार होगी, जिस वजह से मैं कहता हूँ कि यस अगर आधा महीना भी लग रहा है लग जाने दो, एटलीस्ट आने वाले 2 साल आपके बहुत अच्छे जाएंगे। आप अगर आपने आधा महीना नहीं दिया ना तो जिंदगी भर की जिंदगी का पछताव होगा कि मैंने सिलेबस क्यों नहीं एनालाइज किया, और होता है क्योंकि सक्सेस रेशियो 99.9% जो लोग होते फेल ही होते हैं यूपीएससी के अंदर, तो 0.1% का अगर रेशियो बोले तो आपको ये चीजें थोड़ी सी करिए जो 99% बंदे नहीं करते, वो हमेशा से बुक्स के पीछे आते हैं, हाँ ये बुक्स पढ़नी, पर ये नहीं पता चलता कि व्हाट टू स्किप है व्हाट नॉट टू स्किप। आने स्लाइड्स में कवर करूंगा कौन सी चीज़ें, और इस वजह से ये भी बोलूंगा कि जैसे अपने ऑप्शंस को अपने रिलीजेस फॉलो करो, इन द सेंस जो भी आपको ऑप्शन लेना होगा आप उसके रिलेटेड आप पता करें और अपने हिसाब से चूज करें। बाकी मैंने कुछ हेल्पिंग वीडियोस डाल रखे हैं आप देख लीजिए, उसमें सारे जुगाड़बाजी तिकड़बाजी मैंने बता रखा है कौन सी क्या चीज़ है क्या नहीं है, आप कौन से कोचिंग वाला कौन से बकवास नोट कौन से अच्छे नोट्स को आप फॉलो करें, टेस्टिस को फॉलो करें, बुक्स फॉलो करें, सब कुछ प्रो कौन सब कुछ मैंने उसमें एक एक पैटर्न के हिसाब से समझाने का वहाँ पर कोशिश करिए गाइस। इसी तरह मीन्स वही है कि फर्स्ट अब ये कि जस्ट बोलूंगा कि 5 days ऑफ 1 week जो भी है प्रिंसिपल सिलेबस अच्छे से फोकस करो, 15 दिन भी लगे लग जाने तो कोई बात नहीं, कुछ वो बोलते दिस इज टू मच नहीं, ये टाइम असली एनालाइज करने का इनफ टाइम है, तो जिससे भागने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से सिलेबस समझ आ गया ना तो चीज़ें बहुत जल्दी आसान होने लग जाएंगी, अगर चीज़ें सिलेबस समझ नहीं आता कन्फ्यूज हो जाओगे, इतने कन्फ्यूज हो जाओगे समझ नहीं आएगा क्या चीज़ें कहाँ से क्या करूँ, तो जिससे मैं बोलूँगा गाइज अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करना ऐसे स्टार्ट करो गाइज। इसी तरह मैं आगे जैसे ये बोलूँगा कि ट्राई टू एनालाइज व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, लेट्स सपोज अब क्या होता है एक्चुअली मुगल अगर बोले मिडिल एज जिसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत में से मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही बड़े मुश्किल से आजकल आ रहा है राइट, 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए आप इतना सारा डेटा पढ़ोगे दिल्ली से लेकर मुगल तक, उफ इतनी लड़ाइयाँ इतना ये उतना कल्चर पार्ट। अब आप यह सोचो कि ये सोचिए करो क्या ये चीज़ें यूजफुल हैं, जो बंदे ठीक है कर रहे हैं अच्छी बातें करें, फॉर द स्पेशली फॉर द इंजीनियर्स और डॉक्टर और इवन द कॉमर्स बैकग्राउंड जिन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो मैं तो कहता हूँ ट्राई टू स्किप इट, हमें क्योंकि स्मार्ट अप्रोच भी लेनी है बॉस, हार्ड वर्क तो करना लेकिन स्मार्ट अप्रोच भी, क्योंकि हमें एमसीक्यूज हमें इतना चाहिए कि हमारा बेस्ट एमसीक्यू पेपर हिट होना चाहिए, दैट्स ऑल, हमारे 60+ to 65% हमारे मार्क्स आ जाए और हमारी बेस्ट हम नए मेंस में लिखें, क्योंकि प्रीम्स में एक्चुअली रीजन ये भी होता है कि इसमें मार्क्स जुड़ते नहीं है जैसे क्वालिफाइंग राउंड्स होते हैं एक तरह से, तो जिस वजह से स्मार्ट अप्रोच भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर मैं अपने अपने हिसाब से बताऊं कि कुछ लोगों के माय रूल्स माय फंडा आप स्लोगन भी देखते होंगे बाइक्स पे समथिंग कार के ऊपर, तो गाइज ये बोलूंगा कि यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क एज वेल एज, मैं ये नहीं कहता कि हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क करना है बॉस, इसमें कोई दो राय नहीं है यहाँ पे, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना साइड टू साइड, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कैसे पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीज़ आती है स्मार्ट वर्क में। इसी तरह डिसिप्लिन की फिलॉसफी, डिसिप्लिन इन द सेंस ये नहीं कि एक दिन में टूटना नहीं चाहिए, हाँ एक दिन पढ़ लिया दो दिन गैप, नो एक दिन पढ़ा दूसरे दिन भी पढ़ना है तीसरे दिन भी पढ़ना है, एक कॉन्टिन्यूटी हमेशा थोड़ी सी रखनी है, यही द आर्ट ऑफ द सक्सेस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे ये बोलूँगा यानी कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क डिसिप्लिन, इन ये मेरी खुद की फिलॉसफी, पता नहीं दुनिया में क्या क्या रूल्स है मुझे नहीं पता, बस मैंने अभी तक जो एनालाइज किया 2 साल के अंदर बस मैंने ये सोचा हार्ड वर्क तो करना है, स्मार्ट वर्क और डिसिप्लिन इन चीज़ों को नहीं टूटने देना सॉरी गाइस, जिस वजह से इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिएगा गाइज। एक तरह से और भी कुछ काउंटर क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं, सर कैन आई स्टार्ट टू रीड द हिंदू एज वेल एज लाइक, अगर बात करें तो कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ूँ मैं फर्स्ट डे से, मैं बोलूँगा नो, हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं, काटो जब आप पढ़ें, जब फॉर एग्जाम्पल लाइक सपोज आप अगर अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको बस 12 महीने पीछे के काउंट कर लीजिए, 12 या 13 महीने आप काउंट कीजिए, एक महीना एक्स्ट्रा लेके चलो, एक महीने जस्ट द हिंदू को पढ़िए कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड द हिंदू, हाउ टू मेक द नोट्स ऑन द हिंदू एंड हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर इवन दैट, मैंने वो वीडियोस बना रखे आप वहाँ से जाके चेक करें, आपको सब कुछ सारी चीज़ें काउंटर हो जाएंगी। तो जिस वजह से जो लोग बोलते हैं कि नहीं स्टार्टिंग से द हिंदू पढ़ना, नो इस यूजलेस, क्यों खाम खाम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई समझ आएगा नहीं, द हिंदू की इतने टिपिकल चीज़ें होती हैं वो कहीं
कभी वन चाइना पॉलिसी मारता, कभी कुछ मारता, आपको आपको चीज़ें समझ जाए क्यों, आपका बेसिक ही नहीं है अभी। यानी कि द हिंदू को पढ़ने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक अप्रोच यानी कि एनसीईआरटी पहले खत्म करनी पड़ेगी ओवरऑल अगर बात करें तो। बट मैं ये बोलूंगा टू बी फ्रेंक, यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं स्टैंड लूँ तो मैं बोलूंगा लास्ट के 13 मंथ से स्टार्ट करो, एक मंथ ऐसी पढ़ो कैजुअली, फिर 12 जहाँ पे 12 महीने बचे तो स्टार्ट टू मेकिंग नोट्स एज वेल एज, बस दैट्स वुड बी इनफ। यही एक एक स्मार्ट एस्पिरेंट की हमेशा स्ट्रेटजी रहती है, ये कम खाओ अच्छा खाओ। गाइस इधर जैसे बोलूंगा इन यूपीएससी यू हैव टू प्रिपेयर प्रीम्स कम मेन स्ट्रेटजी एज वेल एज, अगर स्ट्रेटजी की बात करें गाइस मैं ब्रेक ले रहा हूँ। हाँ गाइस अगर बात करते हैं कि स्ट्रेटजी की, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा गाइज आपको ऐसा नहीं कि प्रीम्स के लिए अलग स्ट्रेटजी, नहीं आपको प्रीम्स के अलग कम्स मेंस में अप्रोच रखना पड़ेगी। यानी कि आपको एवरीडे प्रीम्स के लिए भी फोकस करना पड़ेगा, मेंस के लिए भी आपको फोकस करना पड़ेगा। इन द सेंस अगर शॉर्टकट बात करें तो आप स्लॉटिस आप जो अपने टाइम टेबल को तोड़ने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा सर हम तो फुल टाइमर हैं हम क्या करें, जो वो लोग वर्किंग है 5 आवर्स 6 आवर्स मीन्स जो सिर्फ 5 घंटे दे पाते मैक्सिमम, हाउ टू क्रैक अ यूपीएससी वाइल डूइंग अ 10 आवर जॉब, मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अब्रॉड के जब मैं यूएस में था, तो मैं भी यही लगातार मैं 1 साल तक फॉलो किया मैंने स्ट्रेटजी, आप उसको देख लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपके डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस इसी तरह जब भी स्ट्रेटजी होगी प्रीम्स क्लब्स प्रिम्स कम्स मेंस के अप्रोच के हिसाब से होगी। अब क्वेश्चन होगा कि व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए ये बोलूंगा गाइज मेंस के बाद बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए, आपके 2 से 2.5 महीने मिलते हैं लाइक मी, तो उसमें आप करें तो ज़्यादा ठीक है अदरवाइज। और हाउ टू फॉर द इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए हाउ टू रीड दमदार लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्टैटिक डायनेमिक पार्ट, मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, सेकंड पीपीटी मेरी वर्किंग है थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसके लिए आप देख लेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। फॉर द टाइम टेबल, टाइम टेबल में मैं ये नहीं कहता कि गाइज आपको अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो 15 दिन तक हिस्ट्री लेके चलो 20 दिन तक हिस्ट्री लेके, नहीं, ट्राई टू डू शिफ्टिंग। लाइक आपने सुबह पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ ली, फिर दोपहर में पॉलिटी पढ़ ली, फिर कुछ ऑप्शन पढ़ा, फिर नोट मेकिंग करी, कुछ इस तरह से आप टाइम टेबल शिफ्टिंग रखें कि अभी हिस्ट्री पढ़ ली तो शाम, फिर अगले दिन फिर आपने पॉलिटी उठा ली, मतलब कि चीज़ों को शिफ्टिंग करना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा चीज़ें जल्दी याद होती हैं ज़्यादा, और एक मैं कहता हूँ कि प्रिम्स क्लस मेन्स अप्रोच यानी कि प्रिम्स के लिए 2 सब्जेक्ट एवरी डे चुनो कि ठीक है मैं 2 चैप्टर इसके खत्म करने, 2 चैप्टर इसके खत्म करने, और इसी तरह फिर मेंस में आप सबसे पहले खत्म करो ऑप्शनल को, क्योंकि ऑप्शन हमेशा टेढ़ी कीट होता है, अगर ऑप्शन खत्म नहीं करोगे तो बैंड बच जानी अच्छे से, जिस वजह से मैं ये बोलूँगा ऑप्शन जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा खत्म करने की यहाँ पे कोशिश करें ओवरऑल। फिर साइड टू साइड नोट मेकिंग ऑन द स्पॉट नहीं होगा, बट आप पहले पढ़ें अच्छे से 2-3 बार, मैं आपको बताऊंगा इससे क्या हाउ टू किक स्टार्ट आने वाली स्लाइड्स में कवर होगा, लेकिन स्ट्रेटजी यही होगी। अपने हिसाब से देखें जो फुल टाइमर है जो 5 घंटे दे सकते हैं 8 घंटे दे सकते हैं, कुछ लोग 10-10 12-12 घंटे देते हैं, वो अपने ऊपर स्ट्रेटजी है। बट एक बात यहाँ पे मैं ये बोलूँगा गो विथ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, जब भी आप पढ़ें आप ये सोचें कि मैंने कितना पढ़ा मुझे कितना याद है। लेट सपोज अगर आपने एक पेज पढ़ा, लेट सपोज कुछ लोग होते हैं हिंदी में स्पेशली इंग्लिश में हिंदी में पढ़ते रहते हैं पेजेस टू पेजेस पढ़ते रहते हैं, खत्म हो जाते हैं, राम कहानी खत्म हो गई, बंद, हाँ अभी मैंने पढ़ लिया सेटिस्फैक्शन, आई एम 100% सेटिस्फाइड, कुछ इस तरह की थिंग्स फिलॉसफी रखते हैं, नहीं, इसे कॉम्पिटिशन बेस एग्जाम, ये ज्ञानबाजी नहीं चाहिए हमें, हमें यहाँ पे एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स ऑल, एग्जाम क्रैक करना और हमें बुकों से अपना पीछा छुड़वाना है, अगर बिल्कुल टिपिकल लैंग्वेज में बात करूँ ऑथेंटिक वे में। तो गाइज जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पेज पढ़ा तो अब यहाँ थोड़ा सा 3 मिनट का पोज लो और सोचो क्या पढ़ा, हाईलाइनर से अगर आप यूज होता है उन चीज़ों को सोचो थोड़ा सा, बस स्टार्टिंग में चीज़ें क्लियर होंगी, आने वाले टाइम में बताऊंगा कैसे होंगी। अभी यानी कि पढ़ना आपको इस तरह से, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी अलग अलग सेक्शन स्लॉट्स बनाओ टाइम टेबल के हिसाब से, दैट विल सफिशिएंट। और एक बार ये है कि 4-4 घंटे लगातार नहीं पढ़ना, 2 घंटे 2.5 घंटे, अब डिपेंड ऑन एस्पिरेंट कि जैसे वो किस तरह से सोचता है, एक छोटा सा 10 से 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक भी लो, जहाँ पे आपके 5 घंटे लगातार हो जाए यानी कि 2 छोटे छोटे ब्रेक भी हो जाए तो मैं कहता हूँ पढ़ाई बिल्कुल स्टॉप करो, 1 से 2 घंटा चिल आउट मारो, 2 घंटे तक चिल आउट मारो, फिर दोबारा से स्लॉट में आओ, गेम्स खेलो एंड वीडियो मींस यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप जो भी चल रहा है चलेगी, बिकॉज आपके पास इनफ टाइम है, मैं आपको यहाँ पे ये बोलूँगा। गाइस इसी तरह ऑप्शन सब्जेक्ट के लिए ये बोलूँगा साइड टू साइड जस्ट चूज योर ऑप्शन केयरफुली, डू नॉट इन्फ्लुएंस विद एनी फ्रेंड्स और डैड और XIAS ऑफिसर और गुरुजी की बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि ये ले लो वो ले लो फलाना डेकड़ा समथिंग लाइक दैट, इवन दैट एनी फ्रेंड्स नहीं, यूज योर ब्रेन, यूज योर मन की बात अगर बात करें तो न्यू लेटेस्ट स्टाइल में। हाउ टू चूज ऑप्शन सब्जेक्ट, यू कैन वॉच माई 13 ऑप्शन सब्जेक्ट वीडियोज, आप वहाँ से देख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे जिसको पसंद है हिस्ट्री पॉलिटिकल हिंदी PSIR पब्लिक एड मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सारी वीडियोज मैंने ऑलमोस्ट जो लेटेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मैंने बना रखी है, मैनेजमेंट तक को नहीं छोड़ा मैंने तो अभी तक, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा।
तो गाइज इधर आगे ये बोलूंगा हाउ टू किक स्टार्ट फॉर द, मेरी तरफ से जस्ट ये होगा आपने एनालिस कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली थिंग आपने सिलेबस को पूरा अच्छे से एनालाइज किया साइड टू साइड। आप ये बोलूंगा डाउनलोड द एनसीईआरटी। गाइज एनसीईआरटी बुक्स वो होती है जो दिल्ली से छपती हैं, मींस अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू जो बुक्स अलॉटेड होते हैं उन्हीं को हम एनसीईआरटी बुक्स कहते हैं। ये बुक्स इसलिए यूजफुल हैं कि बिकॉज इजी लैंग्वेज में होती है, ज्यादा टिपिकल लैंग्वेज नहीं होती है एज अगर कंपेयर करें इंग्लिश में। अगर हिंदी में करें तो यस ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स से स्टार्ट करें। एनसीईआरटी के लिए जैसे आप गूगल पर जाइए और लिखिए, अगर जो बंदे रूरल एरिया से हैं लाइक जो छत्तीसगढ़ झारखंड गुजरात साइड से हैं, तो मैं जैसे ये बोलूंगा कि टाइप करें एनसीईआरटी साइट, काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे कहीं से भी डाउनलोड कर लें आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा। अदरवाइज हाउ टू डाउनलोड एनसीईआरटी ने पीडीएफ फॉर्म मैंने एक वीडियो भी बना रखी है प्ले लिस्ट में, आप वहां से चेक कर लीजिए सैटेलाइट प्ले लिस्ट में। गाइज इस तरह दोस्त हु कैन अरेंज एनसीईआरटी बुक ट्राई टू टेक हार्ड कॉपी। मैं ये बोलूंगा एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी रखें, पीडीएफ फाइल को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कोशिश करें हार्ड कॉपी लेने के लिए जितना हो सके, बिकॉज आपको ये एनसीईआरटी 10 से 12 बार 15 बार पढ़नी पड़ेगी बैक टू बैक। तो जिस वजह से मैं बोलूंगा यस ट्राई टू टेक हार्ड कॉपी एज वेल एज जितना होगी। हार्ड कॉपी में चीजें ज्यादा इजी याद होती है, पीडीएफ को कहां तक इधर तो घुमाते रहोगे स्कॉलर से तो बहुत मुश्किल होता है। तो जिस बोलूंगा यस ट्राई टू टेक हार्ड कॉपी फर्स्ट इफ यू कैन गेट इट। तो गाइज इसे बोलूंगा यू कैन स्टार्ट विद जियो पॉलिटी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे सेक्शंस हो सकते हैं, कोई बंदा जियोग्राफी से स्टार्ट करता है, पॉलिटी से स्टार्ट करता है, हिस्ट्री से स्टार्ट करता है, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करता है। द बेस्ट थिंग मैं बोलूंगा स्टार्ट विद लूसन जी के फर्स्ट फॉर दोज हु लव पॉलिटी। जो बंदे पॉलिटी से स्टार्ट करना चाहते हैं कि हाँ भी मुझे पॉलिटी स्टार्ट करना है, मैं बोलूंगा लूसन जी के। इसका कमेंट सेशन मैं आपको दे रहा हूँ, डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ये डाउनलोड लैपटॉप या पीसी के थ्रू ही होगा, मुझे मोबाइल के बारे में तो पता नहीं, बट हाँ पीसी लैपटॉप के थ्रू ही डाउनलोड होगा। क्योंकि सी गाइज जब आप लूसेंट पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी पढ़ी, जस्ट मैं बोलूंगा जस्ट रीड सम स्टफ्स लाइक व्हाट इज पार्लियामेंट गवर्नर पीएम एक्सेट्रा, जस्ट एक कैजुअली एक से दो दिन पढ़ो, नो नीड टू मेक नोट्स एनीथिंग समथिंग, कोई भी आपको स्टूपिड थिंग्स नहीं करने, जस्ट कैजुअली पढ़ो जैसे नॉर्मली पढ़ते हो आप ऑफिस में जाके पढ़ो। इवन दैट इवन मैं ये भी कह सकता हूँ फाइनली दुकान तो खुली बॉस पढ़ने की, मैं तो आपको यहाँ पे यही बोलूंगा। जिस वजह से जैसे ये बोलूंगा गाइज की लूसेंट लो, सबसे बेस्ट रीड कैजुअली एटलीस्ट टू गेट द थीम फर्स्ट कि गवर्नर क्या है पीएम क्या समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद फिर एक कैजुअल रीडिंग मारो दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना इसमें, कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, कोई अंडरलाइन नहीं, जैसे कैजुअल रीडिंग करो, थीम पकड़ने की कोशिश करो पॉलिटी में कहना क्या चाहता है, स्पेशली फॉर दोज हु बिलोंग्स टू द बीटेक इवन दैट कॉमर्स बैकग्राउंड इवन दैट डॉक्टरी समथिंग, तो उनके लिए मैं बोलूंगा बेस्ट थिंग यही है जो एक बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी में बंदा किस तरह से कर सकता है। इसके बाद लूसेंट के लिए कमेंट में दे रहा हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा, मैं इसके लिंक्स में आपको प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज ये बोलूंगा जस्ट ट्राई टू गेट द थीम फर्स्ट, पॉलिटी है क्या आखिर, ये कहना क्या चाहते हैं समथिंग लाइक दैट, और सापा क्या है इसका पॉलिटी का, तो आपको थीम पता चलेगी। आफ्टर द रिव्यू जस्ट ये बोलूंगा कि जो टॉपिक्स हैं तीन से चार बार पढ़ लीजिएगा, दैट्स ऑल सफिशियंट। क्वेश्चन यहाँ पे आएगा भाई ऐसा क्यों कर रहे, क्यों कह रहे हो बॉस, क्यों एटलीस्ट थीम्स पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि थीम नहीं पकड़ोगे फिर आगे कन्फ्यूजन क्रिएट्स होंगी। तो बेटर है ट्राई टू टेक थीम फर्स्ट मेरे हिसाब से, मैं आपको यहाँ पे ये बोलूंगा साइड टू साइड जैसे बोलूंगा गाइस, देन फिर डाउनलोड द एनसीईआरटी 6 टू 10th क्लास पॉलिटी बुक। सी इन द सेंस अगर बोलूँ पॉलिटिक्स ये बुक्स फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइमर के लिए एक दो बार पढ़ो दैट विल सफिशियंट, ज्यादा बार नहीं पढ़नी, बिकॉज ऑलरेडी लक्ष्मीकांत बताऊंगा कौन सी बुक होती है लक्ष्मीकांत ने ऑलरेडी कवर कर दिया, तो हाँ पर अगर नए हैं बिल्कुल तो यस, अगर जो स्पेशली फॉर द आर्ट स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा पढ़ने की खास ज्यादा जरूरत नहीं है, बट फिर भी एटलीस्ट एक से दो बार पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी है कहीं ना कहीं कुछ आ सकता है, कुछ आपको इंपॉर्टेंट थिंग पता चल जाए तो एटलीस्ट ये पढ़ने की कोशिश करो। और ये भी बोलूंगा कि डोंट नॉट रीड पेज टू पेज, ऐसे नहीं कि एक पेज से स्टार्ट किया और लास्ट पेज तक खत्म किया, नहीं ट्राई टू, मैं बोलूंगा ट्राई टू मेक अ टॉपिक लिस्ट कि भाई गवर्नर क्या है, गवर्नमेंट से टॉपिक कौन कौन से हैं, और लाइक पार्लियामेंट से कौन कौन से टॉपिक है, तो उस तरह से आप जब टॉपिक सब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा, चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिमाग में आएगी, लाइक पीएम और सीएम वर्सेस कुछ आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को आप देख सकते हैं। गाइज इसी तरह फिर अगर आगे बात करें कि सो फाइनली यू आर गोइंग टू रीड पॉलिटी फ्रॉम द एनसीईआरटी, मे बी द सम टाइम्स यू फील बोरिंग एज वेल एज, कि ये भी हो सकता है कि शायद आप बोरिंग फील करो यार क्या है ये पका रहा है समथिंग लाइक दैट, क्या ये पढ़ना पड़ेगा हमें पता नहीं, बट टेक इट सीरियसली गाइज। इफ अगर मैं बोलूँगी अगर आप इंटरव्यू में पहुँचते हैं, अगर यूपीएससी के जो सिलेक्टर्स हैं या फिर जो इंटरव्यूअर हैं अगर वो मस्ती के मूड में आकर उन्होंने कोई स्टूपिड सा क्वेश्चन बोरिंग क्वेश्चन पूछ लिया एनसीईआरटी से और आपको नहीं पता तो आपके अच्छे से लग जाएगी। तो जिस वजह से ये बोलूँगा कि ट्राई टू रीड सीरियसली, जस्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि गाइज वैन यू गोइंग टू रीड टू फिनिश 6 to 10th क्लास एनसीईआरटी रिवाइज एटली 3 times, जस्ट ये बोलूँगा कि एटलीस्ट 2 या 3 बार रिवाइज कर लें ज़्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज ताकि आपको चीज़ें ऐसे हैं जो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और बैक टू बैक आपको काफ़ी सारी जो है नॉलेज यहाँ पे हो जाएगी। गाइज इसी के बाद फिर बोलूँगा डाउनलोड और बाय 11th+12th क्लास की बुक एनसीईआरटी की, अगेन पॉलिटी की, अगेन यू हैव टू रीड द टॉपिक टू टॉपिक फिर से,
रीड एट लीस्ट थ्री टाइम्स और फाइनली क्वेश्चन इज वाई थ्री टाइम्स आई नीड अ बिंदास आंसर फ्रॉम योर साइड गाइस बिकॉज चीज अगेन क्लियर होंगी थीम्स पता चलेगी क्या है क्या नहीं ओवरऑल और आपको बेसिक स्टेप पता चल जाएगा हाँ भी ये चीज़ें होती हैं ये चीज़ें नहीं होती क्योंकि प्रीम्स के अंदर बेसिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं रेदर फैक्ट्स बेसिक थीम्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिस वजह से आपको मैं बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करें इसी जैसे मेरी तरफ से ये पॉइंट नोटेड होगा कि इन फ्यूचर मे बी इट विल नॉट नेसेसरी बट फॉर द फर्स्ट टाइम यस गो हेड फॉर द 6 टू 10th जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ 6 टू 10th क्लास तक के लिए एनसीईआरटी शायद इन फ्यूचर में कोई ज्यादा जरूरत ना हो 6 से 10th क्लास के एनसीईआरटी का बट स्टार्टिंग में यस एक दो बार पढ़ें ज्यादा थोड़ा थीम को ट्राई टू गेट द थीम फर्स्ट फिर हाँ 11th और 12th की एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी बिकॉज ये प्रीम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है सो ट्राई टू फिनिश एनसीईआरटी ऑल बुक्स विद इन 3 months द टारगेट यही होगा कि आपका जो भी एनसीईआरटी है कैजुअली मैं बता रहा हूँ कि हाँ थ्री मंथ्स के अंदर कोशिश करो खत्म करने के लिए अगेन वन मंथ फॉर की रिविजन एज यू कैन जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए और जितना ज्यादा आप रिवाइज करते रहेंगे उतनी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी आपको दमदार चीज़ों के हिसाब से पता चलता जाएगा इसी तरह गाइस फॉलो द सेम पैटर्न टिल द 12th क्लास एनसीईआरटी लिसन केयरफुली इफ यू डोंट अंडरस्टैंड सम टॉपिक एज वेल एज लाइक इन अगर आपको पॉलिटी में कुछ रिलेटेड आईआर से रिलेटेड कोई टॉपिक बता देता हो वो नहीं पता डोंट स्किप ट्रॉल विकी जितना ज्यादा हो सके ट्रॉल गूगल एज वेल एज जितना ज्यादा आप कर सकते हो बिकॉज आपके पास बिंदास टाइम है और क्रैक करने के लिए आपको इनफ टाइम है जिस वजह से जिसमें आपको यहाँ पे ये बोलूंगा लाइक सपोज इफ यू चूज अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि लाइक सपोज इफ यू चूज अ ज्योग्राफी येस आई विल फिनिश दिस आफ्टर दिस अगेन और डू रिविजन फॉर दिस बुक गाइज जस्ट यहाँ पे ये बोलूंगा कि अब बुक्स को जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप रिवाइज करते जाएंगे बैक टू बैक 2 से 3 times तो चीज़ें ज़्यादा जो आपकी जो होंगी वो आपकी क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा फिर आप क्या होगा आपकी चीज़ें जो है टॉपिक्स जो है बेसिकली जो है समझ आती जाएंगी गाइज इसी तरह अगर मैं ये बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम देख सी फॉर द अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कोई भी एनसीईआरटी तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये क्या कह रहा है कुछ से रिलेटेड आपको पता चलेगा फर्स्ट टाइम अगर रिवाइज करते हैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ते तो सेकंड टाइम में ये पता चलेगा कि ओके इसमें क्या क्या है थर्ड टाइम आपको ये पता चलेगा यही कहना चाहता है एक्सर यानी कि आप देख रहे हैं यानी कि जब रिवाइज करेंगे तो आपकी जो एनालिटिकल पावर थोड़ी सी और बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाएगी दैट्स ऑल तो गाइज इसी तरह फाइनली यू फिनिश एटलीस्ट 3 times एनसीईआरटी पॉलिटी बुक नाउ बाय द 5th एडिशन इज डिपेंड ऑन सिचुएशन अगर 6th एडिशन में फ्यूचर में आएगा तो उसको भी आप देखें तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा बट अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 5th एडिशन चल रहा है लक्ष्मीकांत का ये बोलूंगा कि डू नॉट स्टार्ट विद फर्स्ट पेज जस्ट बोलूंगा स्टार्ट विद गवर्नर प्रेसिडेंट ठीक है लाइक चीफ मिनिस्टर जुडिशियल इससे रिलेटेड पहले ये जो बेसिक जो स्टेप जो आपने ऑलरेडी जो लुशन में जो खत्म किया था आप उसी टॉपिक को हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें अच्छी समझ आएंगी जिस वजह से जैसे ये बोलूंगा कि आप ऐसे स्टार्ट करेंगे तो यस चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में आएंगी और आपको मज़ा भी आएगा आफ्टर दैट फिर ये बोलूंगा कि जब जैसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है फिर आप फर्स्ट चैप्टर से लेकर फिनिश ऑल चैप्टर कर दो दैट बी सफिशिएंट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कैन आई मेक नोट्स फ्रॉम द लक्ष्मीकांत मैं बोलूंगा नो लक्ष्मीकांत नोट्स नहीं बनाने हैं बिल्कुल भी इज लाइक अ स्टूपिड थिंग अगर आप करोगे तो बट हाँ लास्ट से कुछ 10 से 12 चैप्टर्स हैं लाइक ह्यूमन राइट कमीशन को कौन इलेक्ट करता है इनके कंपोजिशन क्या इनको क्या करो एक बड़े से पेज पे लिख लो अलग अलग लाइन बना बना के आपको ये चीजें ज्यादा याद रहेंगी क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन होता है पीटी से ज्यादा निकलता है दैट्स ऑल और गाइज ये भी हो सकता है कि लक्ष्मीकांत खत्म करने में शायद आपको 1 महीना लग जाए डोंट बी फर्स्ट एड काफी मोटी बुक है बट यस पॉइंट्स इजी लैंग्वेज आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी सेकंड टाइम में जो रिवीजन करेंगे 25 दिन लगेंगे फिर थर्ड रिवीजन में 20 से 23 दिन लगेंगे फोर्थ रिवीजन में 20 days लगेंगे फिफ्थ रिवीजन में कुछ आपको अगर बात करें 18 दिन 19 दिन में ओवरऑल जो बुक्स जो है फिनिश होती है तो जितना ज्यादा बैक टू बैक रिवाइज मारेंगे उतना ज्यादा आपकी चीजें जो होंगी दमदार होंगी अब ये दोज हु लव हिस्ट्री स्पेशली अगर बोले तो 90% इंजीनियर डॉक्टर और इवन द कॉमर्स बैकग्राउंड लाइक मी जहाँ ज़्यादा हम हेट करते हैं कि यार ये हिस्ट्री पढ़ना बड़ा मुश्किल है मैं बोलूँगा कि न्यू एनसीईआरटी से 6 to 8 क्लास की आप लें सी अगेन मैं बोल रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी नॉट ओल्ड ओल्ड के लिए जैसे बोलूँगा 11th plus 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू बट बस यहाँ पे ये बोलूँगा कि न्यू एनसीईआरटी सी अच्छी बुक है आपको एनालिसिस करने को मिलेगा बिकॉज फोकस मोर ऑन द सोशल इकोनॉमिक अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें क्या फैक्ट्स पे ज्यादा बिलीव रखा जो फैक्ट्स आजकल बहुत कम पूछे जा रहे हैं यूपीसी के अंदर तो जिस वजह से बोलूंगा यस 6 to 8 क्लास की अगर स्टार्टिंग है तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ो जिसको कुछ नहीं पता फर्स्ट रीड दिस टॉपिक्स ओनली लाइक ब्रेकअप एशियंट मिडल और आप हिस्ट्री में आप इसको कन्वर्ट करें कि फर्स्ट पार्ट एशियन में देखना है फिर मिडल में देखना फिर मॉडर्न हिस्ट्री ट्राई टू गेट द थीम फर्स्ट क्या है क्या नहीं है मैं इसके लिए ये प्रेफर नहीं करूंगा आप लूसेंट पढ़ें क्योंकि लूसेंट में फैक्ट्स ही फैक्ट्स और कुछ नहीं है तो जैसे आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट आप यहाँ पे करोगे फिर अगेन रीड वर्ड टू वर्ड आफ्टर 12th क्लास एनसीईआरटी फिर आपको यहाँ पे आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है प्लस यहाँ पे आपको 11th plus 12th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे राइट गाइस बिकॉज
ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी बहुत अच्छी बुक्स है अभी आज के समय जो प्रेफर्स किए जा रहे हैं। और इवन फॉर द इंग्लिश मीडियम मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप ट्राई टू टेक तमिलनाडु बुक एज वेल एज, तमिलनाडु की बुक भी बहुत अच्छी दे रखी है, उसका सेकेंडरी पार्ट दो पार्ट्स में है तमिलनाडु की बुक, यह आपको मुखर्जी नगर ओल्ड एनसीईआरटी बड़े प्यार से मिल जाएगी, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। फॉर हिंदी मीडियम के बोलूंगा 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी दैट विल सफिशिएंट, और 12th क्लास की एनसीईआरटी जरूर पड़ेगा बिकॉज इससे भी आप एमसीक्यू देखने को हमें मिल रहे हैं, बिकॉज ये जो 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी है ये बेसिकली सोशल इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करती है, तो जिस वजह से यस 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी हमारे लिए ठीक ठाक रहेगी। तो गाइस इसी तरह 9th और 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी को मत पढ़िएगा स्टार्टिंग में, बिकॉज ये वर्ल्ड हिस्ट्री से है, तो मैं जैसे आपको ये बोलूंगा कि फोकस मोर ऑन द इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री आप बाद में करते रहेगा जब मैं आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताऊंगा। आफ्टर अगर ये पूरी एनसीईआरटी खत्म हो जाती है 2 से 3 बार 4 बार करें, ये स्लॉट 3 महीने खत्म होगा, यानी पॉलिटी और साथ में हिस्ट्री को आप 3 महीने के अंदर ओवरऑल मैक्सिमम टाइम में खत्म करें विद एनसीईआरटी। फिर उसके बाद उठाएंगे स्पेक्ट्रम, कहीं स्पेक्ट्रम लें, बहुत अच्छी बुक है राजीव अय्यर द्वारा लिखी गई, ये हमारे आईपीएस हैं आज की डेट में, तो स्पेक्ट्रम की बुक है, स्टार्टिंग 4 चैप्टर आप पढ़ें, ब्रेकअप करें स्टार्टिंग 4 चैप्टर, देन अगेन 5th से लेकर पूरी बुक आप मोगल तक 1856 तक पढ़ें, जब स्टार्टिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एटलीस्ट रिवाइज 3 टाइम्स 3 to 4 टाइम्स एटलीस्ट ट्राई टू गेट द थीम फर्स्ट, थीम पता चलेगी मोगल ने क्या किया क्या नहीं किया, कितने वार हुए कर्नाटका और कर्नाटका वार कितना हुआ है, तो जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर आफ्टर दैट स्टार्ट विद 5th चैप्टर फिनिश दिस बुक, बस मैं आपको यहाँ पे और बैक टू बैक रिवाइज मारो, जितना ज्यादा रिवाइज मारोगे उतनी सारी चीजें जो होंगी क्लियर होते जाएंगी। उसके बाद गाइज रीड स्ट्रगलिंग फॉर 1947 बुक बाय द बिपिन चंद्रा, स्ट्रगलिंग फॉर इंडिया एक बुक है, बहुत पुरानी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हिंदी मीडियम के लिए मिल जाएगी और इवन दैट इंग्लिश मीडियम भी अवेलेबल है, एटलीस्ट को मैं बोलूंगा 2 से 3 बार पढ़ लो, रिवाइज मिलो और साइड टू साइड ब्रेक ट्राई टू, मैं बोलूंगा ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट एज वेल एज फॉर दिस बुक एज वेल, बहुत अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज है, समझ आएगा, मजा आएगा पढ़ने में और चीज़ों का एनालाइज करने को मिलेगा। सी आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली यहाँ से, स्पेक्ट्रम पढ़ ली आपने यहाँ से गाइज यहाँ से, और साथ में हमने ये पढ़ ली दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में हमें इससे ज्यादा कंटेंट नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ ली ये पढ़ ली दैट वी सफिशिएंट, वेरी गुड बुक है, रीड फर्स्ट टाइम कैजुअली विल ट्राई टू अंडरलाइन सम गुड पॉइंट, देन आफ्टर 2 or 3 times पढ़ें और फिर बैक टू बैक रिवाइज मारें दैट वुड बी सफिशिएंट। इसी तरह गाइज फाइनली कीप रिवाइजिंग फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, यू कैन वॉच मुराल वीडियो एज वेल एज, जिनको नहीं समझ आ रही हिस्ट्री तो मैं बोलूंगा मुराल की वीडियोज हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, प्रतीक सर ने बना रखी है और बहुत अच्छी बुक्स हैं, काफी अच्छे लेक्चर्स हैं, अभी फंटास्टिक फंडा ने भी काफी अच्छी की है, IRS में सिलेक्शन हो गया तो फंटास्टिक फंडास की भी वीडियोज हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं फॉर द मोर हेल्प, ये ऑप्शनल है जिनको नहीं समझ आता तो। गाइज इसी तरह आगे ये बोलूंगा कि फॉर द कल्चर के लिए जैसे बोलूंगा कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कल्चर पार्ट, लाइक कल्चर से एशियन हिस्ट्री वर्सेस कल्चर में बड़ा फर्क होता है, कल्चर में ये पूछा जाता है कि डांस क्या है, म्यूजिक क्या है, सूफीनिज्म क्या, बुद्धिज्म क्या, समथिंग इस रिलेटेड, हिस्ट्री एशियन हिस्ट्री में क्या होता है कि मगध पूछा जाता है, ठीक है, वेद पूछा जाता है, ये सब सारी चीज़ आती है एशियन हिस्ट्री में, तो डांस म्यूजिक आपका फिर पोइट्री से रिलेटेड टेम्पल से रिलेटेड आपकी ये सारी चीजें जो है कल्चर पार्ट में देखी जाती है, तो इसीलिए गाइस ये बोलूँगा कल्चर पार्ट के लिए तो मेरे हिसाब से ये बोलूँगा NS का मटेरियल लें, लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा आने वाले कुछ घंटे के अंदर, और ट्राई टू डाउनलोड दिस बुक एज वेल एज INS की वेबसाइट से डालें, बट इसमें कुछ ही चैप्टर्स अच्छे हैं रीड चूजली, और उसके बाद एक नितिन सिंघानी की बुक आती है आप उसको खरीदें दैट वुड सफिशिएंट फॉर द PT पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको अगेन मैं आपको आने वाली जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो सीरीज बनेगी उसमें बताने की यहाँ पे कोचिंग, या फिर आप कुछ सम कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हैं, रीड अगेन टॉपिक टू टॉपिक आफ्टर 3 to 4 रीडिंग ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट, आप अपने जाना हो सके आप शॉर्ट नोट बनाएं, या फिर कल्चर के जिसको समझ नहीं आ रहा तो ये बोलूंगा मुराल ने एक वीडियोज बना रखी है कल्चर की आप इसको देख सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जेन IAS की बहुत अच्छी वीडियोस हैं फॉर द स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम आप उसको देख लें, फॉर द हिंदी मीडियम के लिए ये बोलूंगा गाइज मैंने कुछ 45 लेक्चर्स अभी तक अपलोड किए हैं कल्चर के, और वो अगर बात करें तो 50% के आसपास सिलेबस मेरा कंप्लीट होने वाला कल्चर का, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसी तरह गाइज मिडिल हिस्ट्री के लिए ये बोलूंगा कि इसी दिल्ली सल्तनत टू मुगल के लिए इसी अगेन एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा सेक्शन आता है, अगर बिकॉज ये पॉइंट है प्रीम्स पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए अगर आपको इतना सारा डेटा करना पड़े तो अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज मैं तो बोलूंगा स्किप इट, इसके लिए जैसे बोलूंगा NCERT दैट वी सफिशिएंट, अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो ओल्ड NCERT पढ़ लो दैट वी सफिशिएंट। गाइज इसी के जैसे सॉरी गाइज कंप्यूटर लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है, तो गाइज इसके बाद फिर अगर बात करें तो इन्वायरमेंट रिलेटेड सी जियो के लिए 6th to 12th की पहले सबसे पहले NCERT पढ़ो दैट वी सफिशिएंट फॉर यू, फिर उसके बाद रीड टॉपिक टू टॉपिक ओनली इफ यू हैव इनफ टाइम टू, अगर आपके पास इनफ टाइम लगता है तो मैं बोलूंगा NIOS इन्वायरमेंट आता है इसका NIOS का मटेरियल का, पर रीड सेलेक्टिवली काफी सारे चैप्टर से पागल हो जाओगे तो सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ो जो आपको दमदार इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिससे से बोल रहा हूँ कि सबसे पहले जियो की 6th से लेकर 12th क्लास की NCERT जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए बोलूंगा शंकर IAS की इन्वायरमेंट की बुक आती है इंग्लिश मीडियम के लिए, अच्छी बुक है ओल्ड एडिशन बट ठीक ठाक काम करती है। इसी तरह हिंदी मीडियम के लिए गाइस दृष्टि IAS की बुक इन्वायरमेंट की और
INS मटेरियल दैट विच सबमिशन वॉज द बेसिक पार्ट. मैं यहाँ पूरी पूरी जो वीडियोस बता रहा हूँ वो अभी बेसिक पार्ट बता रहा हूँ, कल अभी एडवांस के लिए मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा. इकोनॉमिक के लिए गाइज अगेन 10th, 11th, 12th क्लास की NCERT बुक, वाई नॉट 9th क्लास के अलावा नो नीड, इट्स जस्ट लाइक अ यूजलेस. अगर आप पढ़ेंगे तो जस्ट टाइम वेस्ट ही होगा. तो यस बट फोकस मोर ऑन 11th और 12th क्लास की बुक. अवॉइड फॉर्मूलाज फिगर्स, आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा फॉर्मूला फिगर्स से रिलेटेड. बट सिलेक्टेड जस्ट ओनली लाइक व्हाट इज ग्रिफिन गुड समथिंग, आप ऐसी फिगर्स पर थोड़ा ध्यान रखिएगा. अदरवाइज 11th क्लास की NCERT बुक बहुत अच्छी है, 12th क्लास में जो आपको रीड सिलेक्टिवली आपको करना पड़ेगा. इसके बाद आप जो फिनिश हो जाए दो मीन्स एक महीने के अंदर खत्म हो जाएगी. उसके बाद रमेश सिंह उठाइएगा. रमेश सिंह इसमें आप बेसिक स्टेप्स देख सकते हैं और अच्छी बुक है, पढ़ सकते हैं फॉर द इंग्लिश मीडियम के लिए ठीक ठाक है. और साथ में मुराल के ब्लॉग आप पढ़ लेंगे, दैट विज सफिशिएंट फॉर द बेसिक पार्ट. उसके साथ में इसके लेक्चर्स देख लो जिनको नहीं समझ आते इकोनॉमिक्स, तो दैट विज सफिशिएंट. इसी तरह हिंदी मीडियम के रमेश सिंह और लाल लाल देख लीजिएगा. इन दोनों में से कोई भी एक बुक लीजिएगा, दोनों मत लीजिएगा. पर आई विल प्रेफर लाल लाल बिकॉज इजी लैंग्वेज है, रमेश सिंह में थोड़ी सी दिक्कत है. बट जो भी रमेश सिंह पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं. फॉर जियो पार्टिकल अगेन गाइज वही 6th to 12th क्लास की NCERT बुक फॉर द फोकस. बट हाँ ये बोलूंगा 9th to 12th क्लास की फोकस मोर ऑन द 9th और 12th क्लास स्टैंडर्ड. इंग्लिश मीडियम के लिए एक बुक आती है अगर बात करें तो सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो चैंग लियोंग की एक बुक आती है. इसी की जैसे गाइज एक ऑक्सफोर्ड एसप्लेस जरूर रखिएगा अपने पास. इसी तरह मुराल की जियो की वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियो है मुराल की जियो PPT, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द जियो पार्ट. इसी तरह हिंदी मीडियम के लिए बोलूंगा न्यू NCERT 6th to 12th क्लास की NCERT बुक. इसी तरह महेश भंडवाल की ज्योग्राफी की बुक, भारत का भूगोल जिसको कहते हैं, भूगोल नॉट भारत का भूगोल, भूगोल बोलते हैं. और इसी तरह मुराल की वीडियो देख लें, समझ आ जाएगा. इसी तरह PPT अगर आप कर सकते हैं इंग्लिश में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये भी कर लें, ये भी कर लें, दैट विल सफिशिएंट. इसी तरह गाइज एनी एटलेस जो आपको पसंद आए आप वहाँ से एटलेस देख सकते हैं. इसी तरह इसी की जैसे गए साइंस के लिए 6th 12th क्लास की न्यू NCERT, जितना हो सके आप दमदार तरह से फोकस मोर ऑन 9th और 12th क्लास 10th क्लास NCERT. और साइड टू साइड अगर जो बंदा खरीदना चाहता है लूसेंट जनरल साइंस भी खरीद सकता है बैक टू बैक, बट ये ऑप्शनल है मेरे हिसाब से. अगर आप 6th और 10th क्लास की न्यू NCERT करें दैट विज सफिशिएंट. इसी तरह 11th क्लास के लिए ये क्लास केमिस्ट्री के लिए यूनिट 14 और बायोलॉजी के लिए 4 और 5. इसी तरह 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए यूनिट 16 और बायोलॉजी के लिए 8, 9, 10. ये चैप्टर सिलेक्टेड है, इन्हीं को पढ़ें, दैट विज सफिशिएंट. साइड टू साइड करंट अफेयर के लिए मैं बताऊंगा अभी आने टाइम में कि करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं. गाइस CSET के लिए बोलूंगा, मैथ्स के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए RSA के बाद रीजनिंग के RSA के बाद चीप एंड बेस्ट बुक हमारी ट्रस्टेबल बुक है, आपको जो मैंने लिंक दे रखा वहाँ से मिल जाएगी. और इंग्लिश के लिए कोई भी एनी कंपटीशन ले लें या फिर देख लें अपने आपसे कोई भी 100 पैसेज आपको इंग्लिश में करने होते हैं. हिंदी मीडियम के लिए बोलूंगा गाइज मैथ्स के लिए अगेन RSA के बाद ठीक ठाक रहेगी. रीजनिंग के लिए वैसे आपको यहाँ पर चौहान की बुक ले लीजिए बिकॉज ये हिंदी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है. पर्सनली आई चेक इट, आप इसमें से देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा. गाइज फिर करंट अफेयर के लिए बोलूंगा कि व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जाम नेक्स्ट ईयर यू नीड ओनली 1 ईयर करंट अफेयर. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आप अगले साल दे रहे हैं तो बस 12 महीने का करंट अफेयर आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए. ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. 12 ईयर के करंट अफेयर कर लोगे दैट विज सफिशिएंट. यू कैन फॉलो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, हाउ टू रीड द हिंदू, हाउ टू मेक अ नोट फ्रॉम द हिंदू, मैंने ऑलरेडी एवरीथिंग प्लेलिस्ट में दे रखा है, वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा. और कोई भी एक IAS मैगजीन को आप फॉलो कर लें फॉर द मार्केट आपको ठीक ठाक रहेगी, आप उसमें से देख ले देंगे. फॉर एग्जाम्पल विजन IAS हो गया, इनसाइट हो गया, फिर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए विजन IAS दृष्टि हो गया. इस तरह से आप अगर मैगजीन देख लें तो ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा. इसी की जैसे गाइस ज्वाइन एनी मॉक टेस्ट सीरीज फॉर द PT अगर बात करें तो, अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए PT के ज्वाइन करें दैट विज ऑप्शन. ये ओवरऑल जो प्रोसेस चलेगा आप कोशिश करें 8 से 9 महीने के अंदर फॉर द प्रीम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से खत्म करें. और साइड टू साइड आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान रखना पड़ेगा. ये जो सीरीज बनाई मैंने सिर्फ प्रीम्स के लिए बताई है, मेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में सून में आपको बताने की कोशिश करूंगा. और आई होप गाइस कुछ आइडियाज क्लियर हो गए होंगे. इन फ्यूचर में डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प भी करूंगा और हो सकता है शायद मैं भी अपनी एक बात करें तो टेस्ट सीरीज मैं भी स्टार्ट कर सकूं जिसके अंदर 55 टेस्ट रोड मैप होगा बोथ फॉर द इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम. सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.